हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ और सब लोग मस्त होंगे और साथ में हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो आज जो है, आज मैं थोड़ा सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ शाम के लिए, मूंग की दाल की खिचड़ी। तो मैंने यहाँ पर कुकर में तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया था और थोड़ा सा हींग डाल दिया था, क्योंकि खिचड़ी ना हींग वगैरह डाल के ज़्यादा अच्छी लगती है। और वर्षा का कई दिनों से ना पेट भी थोड़ा सा ऐसे ख़राब सा ही चल रहा है, तो बस ज़्यादातर मैं उसी की वजह से बना रही हूँ। मूंग की दाल और चावलों को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो कर रख दिया था, 10 मिनट पहले, और अभी इसमें डाल दिया है। तो बस सारे डालने के बाद थोड़ी देर इसको अच्छे से भूनूंगी और इसमें करूँगी मैं थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड। इसमें ज़्यादा मसाले तो नहीं जाते हैं, कुछ लोग तो सिंपल नमक की बनाते हैं, लेकिन ये ना हमारे घर में वर्षा के पापा नहीं खाते हैं बिल्कुल भी सिंपल नमक वाली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगी बस, बाकी इसमें कुछ नहीं जाएगा। प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ मैं इसमें, बस हींग, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, यही चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद ये खिचड़ी बनती है। हींग वगैरह डाल के बनाते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद खिचड़ी बन के तैयार होती है हमारी ये। तो इसको मैं थोड़ी देर अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दूंगी, थोड़ी देर भुन जाएगी तभी मैं इसमें पानी डालूंगी। अभी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और पानी थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा ही रखा है ताकि ये थोड़ी सी ना पतली पतली सी बन जाए और पेट में फ़ायदा करेगी ज़्यादा, तो इसी वजह से पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाला है। और आप लोग चाहें तो इसको सूखी बना सकते हैं, सूखी भी अच्छी लगती है। प्याज वगैरह के साथ खाओ ना, प्याज दही के साथ बड़ा ही मज़ा आ जाता है इसको खाने में। तो बस कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और इधर प्रियांशु लेटा हुआ है, इसका एक LSHT का पेपर, और 2-3 पेपर प्रियांशु के ख़त्म हो चुके हैं। तो बस बेचारा लगा हुआ है तैयारियों में, अपनी सारी बुक्स कॉपी वगैरह सब कुछ बेड पे फैला रखी हैं और वर्षा इधर बैठी हुई है। इसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, कई दिन हो गए इसको, 5-6 दिन हो गए। तो लेटी हुई थी, पढ़ ली थी, पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर सो गई है। तो बस अभी मैंने इसको आवाज़ लगाई, थोड़ी देर उठ के बैठी है और अभी खाना वगैरह खाएंगे। अभी मुझे सब्ज़ी भी लेने जाना है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ना काम ज़्यादा था शाम के टाइम में सब्ज़ी वगैरह लाने का, तो मैंने जो है इस खिचड़ी बना दी है। मैंने कहा चलो पेट में भी फ़ायदा करेगी और हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। अभी यहाँ पे हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी बनी है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ साथ रात का खाना खा लीजिए और मैं भी देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। अभी मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, तो सब्ज़ी तो मैं ले आती हूँ, लेकिन इसके आगे का वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं आप लोगों से, सीधा मैं सुबह में मिलूँगी। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और टाइम उठते साथ मैं आप लोगों को टाइम यहाँ पे दिखा रही हूँ, 5:21 हो गए हैं और 5:20 का अलार्म लगा के मैं रात को सोई थी, तो अभी उठ गई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे सुबह की। और अभी चलते हैं थोड़ा सा पहले मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, और मुँह हाथ धो के मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले यहाँ पर जो है मैंने बर्तन अपने इकट्ठे कर लिए, जो भी रह गए थे वो भी सभी सिंक में डाल लिए हैं। और मैं करती हूँ सबसे पहले गैस साफ़। और रात को क्या हुआ ना, पहले मैं सब्ज़ी लेने चली गई बच्चों को खाना देने के बाद, उसके बाद सब्ज़ी लाने के बाद मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं प्रियांशु को लेके बैठ गई, जो उसका पेपर था ना उसका सारा सुन रही थी। अगर नहीं सुनो ना बच्चे से, फिर दिमाग में बहम रहता है कि पता नहीं क्या लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, तो सुनना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उससे सुनने लगी, तो फिर सुनते सुनते रात के 11 बज चुके थे, 11:15 ऐसी टाइम हो गया था पेपर का सुनते सुनते। तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ इन बर्तनों को साफ़ करने का, और ये बर्तन मैं वैसे छोड़ती नहीं हूँ, रात को कभी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा मैं साफ़ करके सोती हूँ, पूरी किचन को क्लीन करके सोती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है ना, बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में रह जाता है कभी कभी, जैसे कि मान लो पेपर है तो उनका सुनना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बर्तनों से ज़्यादा ज़रूरी उनका सुनना हो जाता है स्कूल का। तो बस इसी चक्कर में मैंने इनको छोड़ दिया था। तो गैस पूरी क्लीन कर दी है, और अभी जो ये बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, इनको मैं पहले एक बार धो लेती हूँ, फिर इनको मांजूंगी और फिर से दोबारा धोऊंगी। अभी मैंने सारे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके रैक में लगा दिए हैं, और ये कढ़ाई रख दी है सब्ज़ी बनाने के लिए सुबह की, नाश्ते में जो सब्ज़ी बनेगी। और पूरी किचन क्लीन है, तो बस ये गिलास रखा हुआ था पानी भरा हुआ, तो सबसे पहले मैं पीने वाली हूँ पानी और उसके बाद मैं अपने काम पर लगूँगी। पानी पीने की मेरी ऐसी आदत बनी हुई है ना, कि अगर मैं सुबह सुबह नहीं पीऊँगी ना पानी, तो फिर अजीब सा लगता है, मुँह सूखा सूखा सा रहता है। अगर एक गिलास पानी पी लूँ ना, तो फिर आराम से मैं काम करती रहूँगी। तो बस सबसे पहले पानी पी लेती हूँ बैठ के अपना आराम से। उठो 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 उठो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, अभी आँख तो खोल ले बेटा, आँख खोल ले, 2 मिनट पापा गोद में बैठ जाओ, आँख खोल लो, आँख खोल लो, 2 मिनट आँख खुलने नहीं जाके घुस जाएगा फिर बात होगी।
अभी इस टाइम तक मेरी सब्जी बन चुकी थी और आटा लगा के भी रखाई हूँ मैं। उसके बाद ये कपड़े भी पड़े थे प्रेस करने के लिए, जो ये पहन के जाने हैं इन सबको, तीनों को। तो बस वही कपड़े मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, और ये प्रियांशु को उठाने में लगे पड़े थे। तो इनकी ड्यूटी शुरू हुई यही होती है कि बच्चों को उठाना, क्योंकि मैं तो अपने काम में लगी रहती हूँ तो मैं नहीं उठा पाती हूँ बच्चों को, तो फिर यही उठाते हैं। और इन्हीं के कहने से ना जल्दी उठ जाते हैं, मेरे कहने से उठ नहीं पाते हैं। इसी वजह से बच्चों को उठाने का काम मैंने इनको सौंपा हुआ है कि भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं मिलता है सुबह सुबह उठाने का इनको, तो आप ही उठाया करो। तो बस यही लग जाते हैं उठाने में, इनको पहले खुद उठेंगे और फिर बच्चों को उठाएंगे। और अभी जो है मैं यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने के बाद अभी मुझे बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाने हैं, फिर लंच वगैरह बच्चों का पैक करना है, तो वो भी करती हूँ जाके। तैयार होके और मोबाइल चलाना स्टार्ट, इसको गेम खेलने की बड़ी शौक पड़ी। धसक आ गई सब्जी। फोन किसके, किसको बोला? मुझे, प्रियांशु। प्रियांशु तैयार हो गया? ऐसा हो गया, तैयार हो गए, फ्री हो गया ना। अब अपने उसके साथ कुछ भी हो जा रहा हूँ, सर नाश्ता चाहिए, नाश्ता देता हूँ बस। कितना चलेगा? 30 पे मैंने कहा तो ना, मुझे नहीं करता हमने। चल कोई बात नहीं बेटा, तू दवाई नहीं लगाता ना? कल भी मैं पूरे दिन कहती रही लगा ले, नहीं लगाता बिल्कुल भी, परसों भी कहा। अभी प्रियांशु हो चुका तैयार, वर्षा तैयार हो रही है, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। तो बस ये पराठे बनाने बाकी और रह गए थे, बाकी तो सारा काम मेरा हो चुका है लगभग। नाश्ता वगैरह पूरा तैयार है बनके, तो दो पराठे बनाऊंगी यहाँ पे मैं, और बस वर्षा और प्रियांशु लेके जाएंगे एक एक पराठा, उन्हीं के लिए बनाऊंगी। और इसके पापा के लिए बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि वो पराठे नहीं लेके जाते हैं, कभी कभी ले जाते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा रोटी ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ उनके लिए, तो बस रोटी बना लेती हूँ। और रोटी बनाने के बाद इन सभी का लंच पैक करती हूँ, और लंच पैक करके रखती हूँ उन सभी के बैग में, तीनों के। लंच वगैरह सब कुछ मैंने पैक करके इनका रख दिया है तीनों को, और इसके पापा के मैं साथ साथ ही रख देती हूँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कई बार भूल भी जाती हूँ मैं, तो इसी वजह से ना साथ साथ ही पैक करती हूँ इनका भी, और साथ साथ ही बैग में रख देती हूँ। नहीं तो फिर उठा कर चल देते हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि हाँ लंच है कि नहीं है बैग के अंदर, बस ये सोचते हैं कि हाँ रख दिया होगा और ये उठा कर चले जाते हैं। तो बस अभी मैं वर्षा की चोटी बना रही हूँ, और ये जाएंगे अभी प्रियांशु को छोड़ने, इतने प्रियांशु को ये छोड़ के आएंगे, इतने वर्षा की चोटी बन जाएंगी। कितने मिनट में बाहर आ गए वैसे तुमको? 4 मिनट में। नीचे वाले तो जल्दी आ जाते हैं, ऊपर वाले मैं उल्टी खड़ी हूँ, उल्टी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऊपर वाले को बेचारा को देर लगती होगी आने में, और कुछ तो जल्दबाजी में गिरने का भी खतरा हो जाता है ना, कि बच्चे का पैर फिसल जाए, कुछ हो जाए, है ना। तुम सही हो, इस बार नीचे हो, है ना, पिछली बार तो ऊपर ही थे। ये भी तैयार हो चुके हैं, और प्रियांशु चला गया स्कूल, वर्षा जा रही है अभी। चलो जाओ, चलो तो हैंकी डाल लो बेटा, चलो जाओ। चलो जाओ, बाय बाय बाय। तो अभी जा चुके हैं बच्चे हमारे, और वर्षा को छोड़ने गए हैं उसके पापा, और अभी बस उनको और जाना है, नाश्ता करेंगे आके, और
नाश्ता करने के बाद फिर वो भी निकल जाएंगे और फिर हम लगेंगे अपनी ड्यूटी पे, जो हमारा काम है साफ़ सफाई। सुबह से तो कब से मैं उठी हूँ, जब से ऐसी लगी पड़ी हूँ तब से लेकर मतलब सुबह सुबह तो इतना काम हो जाता, बहुत ज़्यादा काम हो जाता। तो ये ब्लॉग हमारा शाम के समय में शुरू हुआ था और थोड़ा सा शाम का रूटीन दिखाया और सुबह का रूटीन दिखाया कि किस तरह से हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं हम किस तरह से काम ख़त्म करते हैं, जबकि सारा काम हम दिखा भी नहीं पाए क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में हम क्या दिखा पाएँ आप लोगों को। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं पीछे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पूजा भी हो चुकी है, वर्षा के पापा ने पूजा कर दिया है, मेरी करनी बाकी है, तो मैं जब नहाऊँगी मैं पूजा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिल्म मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।